हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फराह खया। से देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये आने वाला वीक कैसा रहेगा स्टडीज़ के हवाले से और नॉर्मल लाइफ के लिए। एक स्टडी का कार्ड निकालेंगे और एक निकालेंगे लाइफ का। स्टडी का कार्ड ये रहा और नॉर्मल लाइफ के लिए थ्री कार्ड आ गए। अब तीनों आ गए हैं एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स जो भी इनको देखेंगे, अगर उनके एग्ज़ाम्स हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड जो है ना हार्डशिप आ सकती है। बिकॉज मुझे कुछ सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नज़र आ रहा है जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी नर्सरी टू MBBS, BDS, मास्टर्स, MPhil, CA, whatever, सो ये सब के लिए ओपन है। स्टूडेंट्स होने चाहिए मदरसे के भी लोग भी ये देख सकते हैं। याद रखिएगा जो आपका जो आने वाला जो ये वीक है, फ्राइडे से लेके जो हम वीक इस्लामिक में वीक काउंट करूँगी, तो उसमें ये होगा कि आपकी सेहत ख़राब मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे लोगों को, और नर्वस ब्रेकडाउन स्ट्रेस की वजह से होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और वैसे अगर मैं उनकी फर्दर लाइफ के बारे में देखूँ तो आने वाला जो वीक है उनकी लाइफ के लिए बहुत हैप्पीनेस ला सकता है। यानी उनके जो घर के मामलात हैं, शुरू के फ्राइडे सैटरडे संडे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मंडे से वो हैंड हो जाएंगे। यानी बिल्कुल भी कोई अच्छी प्रोग्रेस अगर आप वो चाहेंगे या कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे या कहीं मूव होना चाहेंगे, और घर के हालात भी यानी उनके मुझे थोड़े से एग्जाइटी में जाते हुए, स्ट्रेस में जाते हुए आफ्टर मंडे जो है ना मुझे नज़र आ रहे हैं। और 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 22, 1 और 2 किसी के लिए, या 12 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मेडिकल क्योर आप जो है ना मेडिसिन की हेल्प आप लोग नहीं ले रहे हैं, आप लोग डिले कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाना, दैट अ रॉन्ग थिंग, डोंट डू दिस। ठीक है, मैं अगर हेल्थ के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकालूँ तो बहुत सारे कार्ड आते हैं, हम वो नहीं लेंगे। हेल्थ के लिए अगर मैं स्टूडेंट्स की देखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जाइटी और शॉर्ट ब्रीथिंग प्लस जो है ना विन चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हेल्थ की मैं बिल्कुल हेल्थ आप लोगों की आपकी जो है ना मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी ख़राब है। क्योंकि आपसे कोई पूछता है कि जी व्हाट हैपेंड विद यू, तो आप लोग उन्हें नहीं बता पाते कि आपके साथ, बिकॉज जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाइटी के अंदर हैं, वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर फेयर के जो है ना आने वाला, बिकॉज कुछ लोगों का मुझे रिजल्ट्स को लेके आता आने वाला टाइम थोड़ा जो है ना स्ट्रेस नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के स्टूडेंट्स ही हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़े ख़तरे के अंदर हैं। तो अब मसला ये है कि ये तो जनरल रीड है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट दिखवाएँ कि आपके साथ क्या बेसिक इशूज़ हैं, बिकॉज इतनी हेल्थ ख़राब मुझे नॉर्मल स्टूडेंट, और इतना स्ट्रेस इतने से बच्चों को नज़र नहीं आना, इतना किसी भी स्टडीज़ के हवाले से इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस के 4 कार्ड्स निकल के आ गए हैं एग्जाइटी प्लस लड़ाई के। ठीक है ना, और कोई है आपके साथ लाइफ के अंदर जो आपका बहुत ज़्यादा जो है ना दुश्मन हुआ बैठा है? लेट मी सी, अगर मैं देखूं कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो बाहर अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडीज़ या जब फॉरेन के लिए, तो लेट सी कि क्या कार्ड आता है, क्या ये वक्त सही रहेगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, दैट्स अ बिग नो। ये कार्ड बिल्कुल नो का कार्ड आया है आपके लिए। डोंट इवन ट्राई कि अपना वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें बिकॉज कैंसिलेशन के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, अभी ये जनरल रेट है, हो सकता है आपकी राशि के हिसाब से, आपकी प्राइवेट करंट एनर्जीज की वजह से आपकी जो इमिग्रेशन के ताल्लुक हों वो डिफरेंट, बिकॉज आप लोग कुछ बनने के लिए जाना चाहते हैं और यह टाइम आपके लिए वीक अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये जनरल रेट है, तो प्राइवेट के लिए चैनल के बायो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको नंबर मिलेगा, कोई भी मेरा नुमाइंदा आपसे जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।